खबर चैनल में देखा था लेकिन आज सीरियल में देखने मिल रहा है। हम तो पहले देखेगा शेर एंड टू डे अनदर ब्लॉग। ये मेरा दूसरा ब्लॉग होने वाला है गाइस। तो आज का ब्लॉग है जो कि मैं विजिट करने वाला हूँ गुवाहाटी जू। सो लेट्स सी अंदर जाते हैं और क्या का सीन होता है, क्या क्या एनिमल्स है आप लोग को दिखाता हूँ गाइस। और सब लिखा हुआ है को किसके लिए कितना प्राइस है और फॉरेनर के लिए एक्स्ट्रा है गाइस। गाइस इतना भीड़, बस फाइनली द टिकट इज हियर, तो अभी एंटर कर सकते हैं हम। इतना लाइन में रह के ना एकदम टिकट लिया है, वो भी ऑनलाइन, ऑफलाइन का गाइस। हियर इज द मैप, सो इधर मैप है कहाँ से कहाँ तक पूरा एकदम शुरू से अंतिम तक ना। सो चलते हैं। सो गाइस मैप में लिखा था तो इधर टाइगर लायन और हॉर्नबिल ना, तो इस तरफ है बोल के लिखा था। सो उसी को फास्ट देखने जा रहा हूँ। रियल लाइफ में टाइगर तो अभी तक नहीं देखा है मैंने। सो लेट्स सी कहाँ में है गाइस। हम तो पहले देखेगा शेर क्योंकि किंग ऑफ द जंगल इज द लायन। सो लायन को देखूंगा, उसके बाद ही बाकी सब देखूंगा ना। सो लायन को देखने जा रहा हूँ लेकिन सब गफर ख़त्म हो गया। और ये देखिए गाइस, ओह अभी है नेक्स्ट ये हम लोग का बंगाल टाइगर। बंगाल टाइगर सिर्फ मूवी का नाम सुना था लेकिन आज गाइस रियल में देखने को मिल रहा है बंगाल टाइगर, देखेंगे ना। सो लेट्स गो। ओह क्या मस्त सीन आ रहा है गाइस, कोई दोस्त होने से बहुत मस्त होना सा फोटो सोटो क्लिक करने के लिए। असम का शान 6109 ऑफ अस्टम है ना गाइस। सो इधर है ये क्या है आई डोंट नो गाइस, आज तो राइनो का सामने से देख कर ही जाएंगे। यू सीरियस? सो गाइस एकदम हालत ख़राब और टाइम हो चुका है 3:31। क्या कर रहे हैं लोग कुछ भी। तो चलते हैं यहाँ से पार्क में देख लिया सब बच्चा बच्चा खेलने का चीज़ है। हम लोग जवान हो गया, थोड़ा पहले आना था काश। सो गाइस ये है इकोलॉजिकल म्यूजियम। सो यहाँ में फोटोग्राफी अलाउ नहीं था और मोबाइल भी अलाउ नहीं था। सो
कुछ जगह तो देख के आ चुका हूँ, लेकिन सर आप लोग को नहीं दिखा सकता ये, सिर्फ मैंने सिर्फ देखा है। बहुत मस्त मस्त चीज़ है अंदर में, लाइक ये लायन, टाइगर, क्रोकोडाइल सब है यहाँ इसका। सो गाइस आप सबको बता दूँ कि हमें जितना मैंने सुना है यहाँ ऑलरेडी ऑलमोस्ट 195 डिफरेंट एनिमल्स है यहाँ। इसका बाद अमाउंट 114 डिफरेंट स्पीसीज का 195 एनिमल्स है। सो अभी तक जितना भी है उतना तो देख लिया, बाकी और देखना बाकी है। एक्चुअली जो आज मेरे साथ सुबह सुबह जो इंसिडेंट हुआ उसको मैं आप सबको बताता हूँ। क्या बोलता है, मैं ना एक्चुअली आज संडे है, सो प्लानिंग तो ऑलरेडी दोस्तों के साथ ही किया जाता है। सो मैंने भी एक दोस्त को कॉल किया था, वेट आई विल सी हियर, तो गर्म इतना है ना। सो दोस्त को बोला, हाँ उस दिन हम फ्राइडे को उसको टेक्स्ट किया है, चलो चलते हैं, बल्कि वो बोला हाँ ठीक है ओके संडे को चलते हैं, मेरा भी ओके बोला। लेकिन आज सुबह जब कॉल किया तो वो बोला है मेरा कुछ काम है तो मैं नहीं जा सकता हूँ, सो दैट्स व्हाई अकेला ही आना पड़ा, क्या करें अभी। चलो सो गाइस फाइनली सब घूम लिया है ना, तो अभी क्या है, अभी कुछ भी है तो नहीं बचा। सो जीराफ किस तरह था वो हमको मालूम नहीं हुआ है, तो फिर भी देखा तो नहीं जीराफ, लेकिन पूछा भी नहीं। छोड़ो नेक्स्ट टाइम जब आएगा तब पूरा देख लेंगे। सो अभी फ़िलहाल निकलने का सोच रहा हूँ, टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया, 4 बजने वाला है, तो मेरे को रूम भी जाना है, सो लेट्स गो। सो गाइस बहुत गरम से एकदम थक चुका है, आदमी लोग आते ही जा रहे हैं, अभी भी आदमी एकदम पूरा आ रहा है। चलो निकलते हैं अभी, बाय बाय गाइस।